हेलो पेरेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल टॉकिट बेबीज। आई एम सुनीरा घोष। तो पेरेंट्स, आज फिर एक बहुत ही मजेदार टॉपिक लेके मैं आप लोग के साथ आई हूँ। ये एक ऐसा कंसर्न है जो कि पेरेंट्स में जनरली बच्चे के एक साल से होने के बाद शुरू होता है और उसके बाद काफी टाइम तक चलता है। तो आज हम बात करने वाले हैं बच्चों के बात करने के बारे में, यानी कि बच्चों का लैंग्वेज सीखना, बच्चों का कम्युनिकेट करना, अपने थॉट्स, अपना जो भी बच्चा सोच रहा है या जो बच्चा करना चाहता है, जो बच्चे को चाहिए वो चीजें कम्युनिकेट करना, यानी कि लैंग्वेज सीखना, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो ये जो मेरा वीडियो रहेगा, इसमें मैं आपको ये बताऊंगी कि हम एज पेरेंट्स या फिर जो केयर टेकर है बच्चे का, आप दादा दादी, नाना नानी, पेरेंट्स कोई भी हो सकते हो जो पेरेंट्स जो बच्चे के साथ रहता है, तो हम कैसे बच्चे की हेल्प कर सकते हैं कि बच्चा जल्दी से जल्दी बात करना सीख जाए और उसे ये चीज आसान लगे और फन लगे। तो ये वीडियो जो है वो इस बारे में रहेगा कि क्या चीजें हम कर सकते हैं, कैसे इस पूरे प्रोसेस को हम फन एक्टिविटी की तरह कर सकते हैं, वो मैं आपको बताऊंगी। और फाइनली कुछ नो नोज जो कि मेरे ऑलमोस्ट हर वीडियो में होता है, क्योंकि मैं जरूर कुछ चीजें पेरेंट्स को याद दिलाना चाहती हूँ कि ये चीजें मत करिए अपने पेरेंट्स के अपने बच्चों के साथ, तो कुछ नो नोज रहेंगे फाइनली। तो ये है हमारे पूरे वीडियो का, क्या क्या चीजें हम कवर करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारे सारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब बटन पर प्रेस करिए और रेगुलर अपडेट्स के लिए बेल आइकन को हिट करिए। वेलकम टू डॉकिट बेबीज। तो इससे पहले कि मैं आप लोगों को बताऊं कि क्या क्या चीजें आप कर सकते हो ताकि बच्चों को हेल्प मिले इस चीज में, उससे पहले तीन बातें मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी। सबसे पहली चीज कि सबसे इम्पॉर्टेंट रोल जो प्ले करता है इस चीज में वो होता है पेरेंट, क्योंकि मैं मोस्टली पेरेंट्स ऐसे हैं जो कि बच्चों के साथ सबसे ज्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं। अगर पेरेंट्स नहीं है तो जो भी कोई दूसरा जो बच्चों के साथ सबसे ज्यादा टाइम स्पेंड कर रहा है उसका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है इस चीज में कि बच्चा जो है वो बात करना कब शुरू करेगा। दूसरी चीज, अगर आप चाहते हो कि बच्चा बात करना शुरू कर दे तो आप भी बच्चों से बात करना शुरू कर दीजिए, यानी कि जितना आप बच्चों से बात करोगे उतने जल्दी बच्चा जो है वो बात करना शुरू कर देगा। तीसरी चीज, कभी भी किसी बच्चे को किसी और बच्चे के साथ कंपेयर मत करो। ये मत सोचिए कि अरे ये बच्चा तो 1.5 साल का है, ये बच्चा बात करता है, मेरा बच्चा 2.5 साल का होने वाला है अभी भी बात नहीं करता है, तो ये क्या बात हुई। तो कंपेयर बिल्कुल मत करिए। हर बच्चे का लैंग्वेज को सीखने का जो रेट होता है वो अलग होता है, वो डिफरेंट होता है, हर बच्चा डिफरेंट है और ये रेट भी डिफरेंट होता है। तो इसीलिए किसी और बच्चे को किसी और बच्चे के साथ कंपेयर मत करिए। ये तीन चीजों को दिमाग में रखते हुए आगे इस वीडियो को देखिएगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि आखिर हम क्या क्या चीजें कर सकते हैं जिससे बच्चों को हेल्प मिले इस चीज में कि बच्चा जो है वो बात करना शुरू करे। तो जो पहला पॉइंट होता है वो है कि इस एक्टिविटी को आपको फन बनाना है। बच्चे को अगर आप कोई भी चीज एज अ होमवर्क कराने की कोशिश करोगे कि बेटा ये करना है, बेटा वो करना है, तो बच्चे को लगेगा कि मुझे नहीं करता है। लेकिन वही चीज अगर आप खेल की तरह बच्चे को सिखाओगे तो बच्चे को बहुत अच्छा लगेगा। तो इस पूरे एक्टिविटी को एज अ फन एक्टिविटी बनाने का काम जो है वो आपका है। दूसरी चीज जो आपको करनी है वो है कि आपको बच्चे से ज्यादा बात करने की कोशिश करनी है, और जब बच्चा आपको जवाब देने की कोशिश कर रहा है तो आप उसको सुनिए। अब इस केस में ये भी हो सकता है कि जो बच्चा बोल रहा है उसको आप बिल्कुल भी नहीं समझ पा रहे हो, डोंट वरी, आप अपना इंटरेस्ट शो करते रहो और उससे बात करते रहना जारी रखो। बेसिकली ये होता है कि बच्चा बहुत कुछ बोलना चाहता है पर उसको वर्ड्स नहीं मिल रहे हैं, उसको करेक्ट वर्ड नहीं मिल रहा है, उसे तरीका नहीं मिल रहा है। लेकिन अगर वो देखेगा कि आप इतना इंटरेस्ट शो कर रहे हो उसकी बातें सुनने में, तो वो अपने आप धीरे धीरे कोशिश करेगा कि मैं राइट वर्ड पकड़ूं और मैं क्या बताना चाहता हूं वो मैं सही सही बताऊं। तो इसीलिए बहुत जरूरी है आपको अपना इंटरेस्ट मेंटेन करना। जब बच्चा धीरे धीरे थोड़ा बहुत बोलना शुरू कर देता है तो कई बार हम एज पेरेंट्स उसी टाइम बच्चों को करेक्ट करने में लग जाते कि बेटा ये ऐसे नहीं बोलते, वो वैसे नहीं बोलते। ऐसा मत करिए, आप उसको बोलने दीजिए। उसके प्रोनंसिएशन से ज्यादा आपको फोकस करना है कि वो क्या बोलना चाह रहा है, क्योंकि आप बेसिकली इस तरह से कर सकते हो कि जैसे समझ लो आपको आइडिया लग रहा है कि वो क्या बोलना चाह रहा है, तो आप बच्चे से क्लैरिफाई करना शुरू करो कि अच्छा, जैसे कि समझ लीजिए बच्चे को बनाना चाहिए, वो बनाना नहीं बोल पा रहा, बोल रहा है नाना,
चे ना ना चे, तो आप उसको क्लैरिफाई कर सकते हो कि अच्छा बेटा आपको बनाना चाहिए, तो आप धीरे धीरे हर वर्ड पे फोकस करते हुए उनसे कन्फर्म करो कि क्या बेटा आप ये बोलना चाह रहे हो। उस केस में उनको सबसे पहली चीज है कि उनको खुशी मिलेगी कि यस मेरे पेरेंट्स जो है वो समझ पा रहे हैं कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, और उसका दिमाग जो है वो इस चीज को स्टोर कर लेगा कि ओके नाना नहीं है बनाना है, चाहिए नहीं है चाहिए है। तो धीरे धीरे बच्चा इस चीज को स्टोर करने लगेगा और प्रॉपर लैंग्वेज यूज करना शुरू कर देगा। नेक्स्ट चीज जो आप बच्चे के साथ कर सकते हो वो है कि हर चीज को डिस्क्राइब करना शुरू करो। सिंपली बच्चे ने अगर पूछा कि मम्मा व्हाट इज दिस या फिर मम्मा ये क्या है, तो सिंपल ये जवाब देना कि बेटा ये बॉल है। बस इससे अच्छा है कि आप बच्चे को बोल सकते हो बेटा देखो ये रेड बॉल है, सी ये कितना बिग बॉल है, ये स्मॉल बॉल है, बॉल से हम प्ले करते हैं। कहाँ प्ले करते हैं? पार्क में प्ले करते हैं। मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि आप पूरे टाइम बच्चों से गप्पे करते रहो, क्योंकि ऑब्वियसली पेरेंट्स को और भी बहुत सारे काम होते हैं, बट हम एज पेरेंट्स की ये भी एक जिम्मेदारी है, तो हमें ये भी बहुत जिम्मेदारी से ये काम करना है। और बेसिकली छोटी छोटी चीजों को अगर आप थोड़ा सा डिस्क्राइब कर दोगे तो बच्चे जो है उस केस में बहुत जल्दी वर्ड्स को पकड़ते भी है, वो एसोसिएट करना शुरू कर देते हैं एक्शंस के साथ वर्ड्स को, और इसीलिए बच्चों के लिए इजी रहता है उन वर्ड्स को याद रखना। इसी पॉइंट से मेरा नेक्स्ट पॉइंट निकल के आता है कि जब भी आप कोई एक्शन कर रहे होते हो बच्चे के साथ तो उसको वर्ड्स में भी डिस्क्राइब करो। जैसे कि आप नॉर्मल गेम खेल रहे हो पीकाबू का, तो आप बच्चे को बोलो कि मम्मा अभी छुप रहा है पीकाबू, मम्मा मिल गया। तो इसमें बच्चे ने पीकाबू भी सीखा और साथ में एक्शंस के साथ बच्चे ने कुछ वर्ड्स भी सीखा। अभी मम्मा जंप कर रहा है, अब जैसे मैं इनू के साथ करती हूँ तो अब मम्मा जंप कर रहा है, अब इनू जंप करेगी, इनू जंप तो इनू जंप करती, इनू स्टॉप। तो बेसिकली एक्शंस के साथ अगर आप वर्ड्स को एसोसिएट कर दोगे बच्चे के लिए तो ये बेस्ट रहता है बच्चे के लिए, क्योंकि यही तरीका है बच्चों के सीखने का। बच्चे हमेशा एक्शंस के साथ वर्ड्स को एसोसिएट करके याद रखते हैं, तो इसीलिए अगर आप इसी प्रोसेस के थ्रू बच्चे को सिखाओगे तो बच्चा जो है वो जनरली इजी वे में और जल्दी वर्ड्स जो है उनको सीखना शुरू कर देता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि आपको बच्चों को नए नए एक्सपीरियंसेस दिलाना बहुत जरूरी है। तो नए एक्सपीरियंसेस का मतलब है कि जैसे पूरे टाइम बच्चे को घर में मत रखिए, घर में बच्चा बहुत कुछ सीखता है लेकिन बाहर निकलना बहुत जरूरी है, इक्वली जरूरी है। तो बच्चे को कभी आप शॉपिंग पे ले गए, कभी मॉल ले गए, कभी पार्क ले गए, कभी प्ले एरिया ले गए, कभी किसी और के घर ले गए, तो इन जगहों पे जाके भी बच्चा बहुत सीखता है, क्योंकि पार्क में वो 10 लोगों को देखेगा, कोई बात कर रहा है, कोई खेल रहा है, कोई कुछ कर रहा है, हर चीज बच्चा देखता है। और बच्चे जो है वो दूसरे बच्चों को देख के बहुत जल्दी सीखते हैं, ये चीज तो मैंने नोटिस की है फॉर श्योर। तो पार्क में बहुत सारे बच्चों को बातें करते हुए देखते हैं तो बच्चा उससे सीखता है। आप मॉल जाते हो, मॉल में शॉपकीपर्स आपसे बात करते हैं, आप शॉपकीपर से बात कर रहे हो, आप कोई चीज ढूंढ रहे हो, आप बच्चों के साथ बात कर रहे हो, बच्चों को एक्सप्लेन कर रहे हो डिफरेंट चीजें, तो उससे बहुत सारे वर्ड्स जो है वो एडअप होते जाते हैं। तो इसीलिए न्यू एक्सपीरियंसेस का दिलाना बच्चे के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि उसके साथ भी बच्चों का जो लैंग्वेज डेवलपमेंट है वो काफी ज्यादा होता है। बच्चा जब कुछ भी चीज आपको बोलता है तो जनरली उसके जो स्टार्टिंग के सेंटेंसेस होते हैं वो तो बिल्कुल ही ब्रोकन होते हैं, नॉर्मली वो एक दो वर्ड बोलता है। धीरे धीरे जब बच्चा बोलना शुरू हो जाता है तो एक दो वर्ड्स को ज्वाइन करके सेंटेंस बनाने की कोशिश करता है। आप उसको सुनिए, समझिए कि वो क्या बोल रहा है, और उसके बाद उसके सेंटेंस को रिपीट करिए। जैसे बच्चे ने अगर बोला मम्मा बॉल, तो आप बच्चे को बोल सकते हो ओके बेटा आपको बॉल चाहिए, तो शायद अगली बार वो बोलेगा कि मम्मा बॉल चाहिए। तो इस तरह से आप बच्चे को सिखा सकते हो। इसमें क्या होता है कि बच्चे को ये कन्फर्मेशन भी मिलती है कि हाँ मम्मा ने मेरी बात समझी, और दूसरी बात बच्चा जो है वो देखता है कि आप किस तरह से उस सेंटेंस को बोल रहे हो जो बच्चा बोलना चाहता था, तो उस तरह से बच्चा सीखता है कि क्या बोलना है। हमेशा बच्चों के साथ बात करते हुए स्टार्टिंग में सिंपल सेंटेंसेस यूज करो, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड वे में बच्चे से बात मत करिए, क्योंकि इस तरह से अगर आप बहुत कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंस बोलोगे तो बच्चा बिल्कुल दिमाग में ऐसे हो जाएगा कि ओ नो ये क्या था। तो इसीलिए अगर आपको बच्चे से कोई चीज पूछनी है कि बेटा आपको पानी चाहिए, अब आपको ठंडा पानी चाहिए कि गर्म पानी चाहिए, तो सेंटेंसेस को तोड़ के पूछो, मतलब कि क्या बेटा आप फ्रिज से ठंडा पानी लोगे,
इसकी जगह आप पूछ सकते हो, बेटा क्या आपको पानी चाहिए? अगर बच्चा बोलता है हाँ, बेटा आप ठंडा पानी पियोगे कि गर्म पानी पियोगे? बच्चा बोलता है ठंडा, तो बच्चे को आप बोल सकते हो अच्छा, तो फ्रिज से बॉटल निकाल सकते हैं। मतलब मेरा बेसिक एम ये है बताने का कि आप बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस, इन द सेंस एक सेंटेंस में बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं होना चाहिए। अगर बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन आपको बच्चे को बतानी है तो उसको तोड़ तोड़ के बताओ, ताकि धीरे धीरे बच्चा उस चीज को सुने और समझ सके कि मम्मा क्या बोलने की कोशिश कर रही है। तो ये था बेसिकली पहला यू नो पार्ट ऑफ द वीडियो, जिसमें मैंने आपको ये समझाया कि आप अपनी तरफ से क्या क्या चीजें कर सकते हो ताकि बच्चा जो है वो लैंग्वेज जो है धीरे धीरे सीखना शुरू कर दे।